नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज के इस लेसन में हम लोग E7 या फिर E डोमिनेंट 7 गिटार कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इस कॉर्ड में यूज होने वाले नोट्स। जो नोट्स हैं वो हैं हमारे ई, जी शार्प, बी और डी। ठीक है दोस्तों, तो ये चार नोट्स हैं हमारे इस कॉर्ड में और हम इन्हें कहीं भी बजा सकते हैं पूरे फ्लैट पोर्ट में एक साथ, तो हमारे E7 गिटार कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं हमें किस तरीके से बजाना है इसे। सबसे पहले हम लोगों को पहले छठी स्ट्रिंग ओपन रखनी है, फिर अपने मिडिल फिंगर को रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे, चौथी स्ट्रिंग फिर से ओपन, अपनी इंडेक्स फिंगर को रखना है तीसरी स्ट्रिंग पहली फ्रेट पे, दूसरी स्ट्रिंग ओपन, पहली स्ट्रिंग ओपन। इसके बाद आपको सारी फ्रेट सारी स्ट्रिंग बजानी है ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये आसान कॉर्ड है बहुत ही E7 गिटार कॉर्ड को बजाना। तो दोबारा से देखते हैं कैसे बजाना है इसे। छठी स्ट्रिंग ओपन, पांचवी स्ट्रिंग दूसरी फ्रेट पे आपकी मिडिल फिंगर, चौथी स्ट्रिंग ओपन आपकी इंडेक्स फिंगर, तीसरी स्ट्रिंग पहली फ्रेट पे, दूसरी स्ट्रिंग ओपन और पहली स्ट्रिंग ओपन। तो ये सारी स्ट्रिंग ऊपर से नीचे तक, सारी स्ट्रिंग बजानी है आपको ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर तक। ठीक है दोस्तों, तो यह है हमारी E7 गिटार कॉर्ड। अगर आपको मेरे लेसन पसंद आए तो इसे रेट करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।